नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? कैसा जा रहा है आज का दिन? हाँ, एक नया दिन, एक नई शुरुआत। और आज का दिन तो वैसे भी खास है, क्योंकि आज है 9th of April। और क्या होने वाला है 9th of April को? बाकी चीजों के अलावा हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज है बच्चे, आज शुरू हो रही है। रोज रात को 9 बजे आज से आपका एक नया सफर शुरू हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट सीरीज के अंदर हम लोग पूरी तरीके से फिल्म्स पर्सपेक्टिव से और मेन पर्सपेक्टिव से सिलेबस कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो आज से शुरुआत है। टाइम निकाल लीजिए, अपनी आदत बना लीजिए। बीच में कहीं मिस हो गई या फिर शुरू में डिले कर दिया आपने, तो आगे चल के आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि जो शुरू की क्लासेस होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे हमारा जो आज का सेशन है, आज के सेशन में हम लोग डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, तो अगर डेफिनेशंस ही नहीं समझ में आएंगी तो कल को फिर प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश करिएगा कि आज से ही इस जर्नी का पार्ट बन जाओ और बने रहो, ठीक है? चलो, इसके अलावा बच्चे, अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो बैच नंबर 9 अभी अवेलेबल है। मतलब 10 तारीख तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, कल तक, ठीक है? तो बढ़िया बैच है ये। इसमें क्लासेस शाम को होती है बच्चे, 4 से 8 बजे तक। और अगर आप ये कोर्स लोगे तो इस कोड को यूज कर लेना, ABHILIVE, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी गाइडेंस करूं। इसका जो प्राइस है वो 24,999 रुपये है, जो काफी अफोर्डेबल है, ठीक है? तो ये तो हो गई बेसिक बेसिक सी बात। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, सभी लोगों को बहुत बहुत गुड। अब जो हमारा आज का सेशन होने वाला है लीगल करंट अफेयर्स का, बहुत ही मजेदार सुर्खियां लेके आया हूं आप लोगों के लिए। बहुत ही मजेदार न्यूज है। टोटल टॉप 5 मैंने चूज की हैं, और पांचों ऐसी हैं जिसमें ना केवल आपको कुछ पता चलेगा, इवेंट पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पर आपको कुछ समझ में भी आएगा। देखो, जब हम लोग लीगल करंट अफेयर्स के सेशन लेते हैं, आप ये समझिएगा यहाँ पे सेशन में आने का पर्पस केवल जानकारी पाना नहीं है, केवल ये जानना नहीं है कि क्या क्या हुआ पिछले दिन, नहीं। उससे कहीं बड़ा पर्सपेक्टिव ये है कि हम लोग रोज डे टू डे न्यूज के आधार पर अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को ही इम्प्रूव कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है, जनरली हम लोग सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं चीजों को, तो तब जब पढ़ रहे होते हैं तब तो लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, पर जब हम ऐसे किसी सिचुएशन में लॉ को अप्लाई करते हैं तब रियलिटी में पता चलता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। अगर आप इसको कंटिन्यूअसली रोज ज्वाइन करोगे और इसका फायदा उठाओगे, तो आपकी जेनरिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना लॉ के बारे में, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जो आपको बहुत हेल्प करेगी, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो फिर चाहे वो इंटरव्यू की ना हो, क्योंकि ओवरऑल पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है? तो आज 9 तारीख है, ठीक है? तो सबसे पहली न्यूज, जो सबसे पहला इवेंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो ये होने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पेटीशन डिसमिस करी, और वो पेटीशन किसके बारे में थी? पेटीशन थी इलेक्शन रिजल्ट से संबंधित। और कहां के इलेक्शन रिजल्ट से संबंधित? आसाम असेंबली जो 2021 में हुए, और स्पेसिफिकली AIUDF जो पार्टी है वहां की, उसके जो लीडर है भार भुइया, उनके संबंध में, उनके खिलाफ थी, ऐसे समझिए। इस पेटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है इस आधार पर कि पेटिशनर ने कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस पेश नहीं किया, कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस पेश नहीं किया। ज्यादातर जो एलिगेशंस लगाई हैं पेटिशन के अंदर वो वेग लगाई गई। और केस के अगर टाइटल की बात करूं तो केस का नाम है करीम उद्दीन बरबुया वर्सेस अनिमुल हक लश्कर एंड अदर्स 2024 का केस। देखो, इस न्यूज को आप समझो उससे पहले एक बहुत छोटा सा पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें बच्चे। जब भी हम किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ को अप्रोच करते हैं, फिर वो चाहे सिविल कोर्ट हो, फिर वो चाहे क्रिमिनल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी, और किसी भी प्रकार की पिटीशन हो, कोई भी हम लोग प्लेंट फाइल कर रहे हैं, कोई भी केस फाइल कर रहे हैं, उस व्यक्ति की जो कोर्ट को अप्रोच कर रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, उस व्यक्ति की जो उस कोर्ट को अप्रोच कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि जो भी बातें वो लिख रहा है ना अपनी पिटीशन के अंदर, उनके संबंध में वो
एप्रोप्रिएट एविडेंसेस भी प्रोवाइड करे। ये बहुत जरूरी बात है। क्यों मैंने ऐसा बोला? मैंने इसलिए बोला कि बच्चे कभी भी, हम जब कोई प्लेंट फाइल करते हैं, कोई पेटिशन फाइल करते हैं, उसमें हजारों बातें लिखते हैं, पर बच्चे केवल बातें लिख देने से कोई केस कभी साबित होता नहीं। वो तो केवल कोर्ट को पर्सपेक्टिव दे रहा है कि आपका कहना क्या है, व्हाट आर यू वांटिंग टू से, पर उसको सपोर्ट करने के लिए एप्रोप्रिएट एविडेंस लाना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। अब ये जैसे जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर रहा है पेटिशन को, यहाँ पे वजह यही रही बच्चों कि पेटिशन तो फाइल हो गई और पेटिशन पे आपने हजारों एलिगेशंस लगा दिए, पर उन एलिगेशंस को सब्सटेंशिएट भी तो करना पड़ेगा, और उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए क्या लगेगा? एविडेंस लगेगा। केवल मौखिक बातों पर, कही सुनी बातों पर तो कोर्ट भरोसा करेगा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे लीगल पर्सपेक्टिव का, इसको जरूर समझना है। थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। असल में बच्चे ये एक इलेक्शन पेटिशन थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है, और ये जो पेटिशन है वो फाइल की थी किसने? लश्कर साहब, जिसमें वो 2021 के असम असेंबली इलेक्शन की रिजल्ट को चैलेंज कर रहे थे, जिस इलेक्शन के अंदर ये जो करीम साहब हैं ये जीत गए थे। लश्कर साहब आर हार गए थे और करीम साहब जीत गए थे। उसको ये लोग चैलेंज कर रहे थे और बोल रहे थे कि उसमें इलेक्शन में जो है गड़बड़ हुई है, मामला जो हुआ, और जो एलिगेशंस लगाई थी वो मतलब भर भर के एलिगेशंस लगाई थी कि ये हुआ कि वो हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोला कि आपकी जो एलिगेशंस हैं, पहली बात तो वो बहुत वेग है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, अभी आपको समझाऊंगा, और दूसरा कि चलो उनकी वेग वाली बात को हटा भी दें, कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस आपने पेश नहीं किया है उसके संबंध में, और ऐसी परिस्थिति में एक ही ऑप्शन बचता है कि इस पेटिशन को डिसमिस कर दिया जाए, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं सेक्शन 83 की, किस कौन से कानून का सेक्शन 83? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 83। उसके लिए ये जरूरी है कि जब आप एलिगेशन लगाओ उसके मटेरियल फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करो, समझे? मतलब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि दो बातें हैं, दोनों बातों को आप समझना, कि आपने इलेक्शन पेटिशन फाइल करी, आपका अधिकार है, समझ में आता है, आपने एलिगेशंस लगाए पेटिशन के अंदर, फिर से आपका अधिकार है, समझ में आता है, पर आपकी पेटिशन में दो परेशानियां हैं। पहली परेशानी तो ये है कि जो भी आपने एलिगेशंस लगाई हैं वो वेग नेचर की है, उनमें क्लैरिटी नहीं है। अब ये वेगनेस वाली बात समझो, क्योंकि कई बार ये वेगनेस आधार बनती है किसी भी सूट, किसी भी पेटिशन के डिसमिस होने का। ये वेग मतलब क्या है? देखो बच्चे, हम जब भी किसी व्यक्ति पे कोई एलिगेशन लगाते हैं, कोई भी लांछन लगाते हैं, तो हम किसी अपराध के संबंध में लगाते हैं या किसी कानून के प्रावधान के संबंध में लगाते हैं। मतलब हम कहना चाहते हैं कि इस व्यक्ति ने ये किया है, इसलिए ये कानून का वायलेशन हुआ है। तो जब भी हम लोग ड्राफ्ट करते हैं अपनी पेटिशन, हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि हम जो भी एलिगेशंस लगाएं वो इस तरीके की हो कि कोई अपराध किसी भी कानून के अंदर साबित होता हुआ दिखे। मतलब हम लोग बताएं कि इस व्यक्ति ने ए चीज की है, बी चीज की है, सी चीज की है, जिसकी वजह से ए अपराध हो रहा है, बी अपराध हो रहा है या सी अपराध। देयर हैज टू बी अ डायरेक्ट रिलेशन उन एलिगेशंस में जो लगाई जा रही हैं और वो जो पर्टिकुलर एक्ट है, वो जो पर्टिकुलर ऑफेंस। देयर हैज टू बी अ डायरेक्ट कनेक्ट, अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो वेगनेस आ जाएगी। और दूसरा कि चलो आपने जो भी एलिगेशंस लगाई हैं उन एलिगेशंस को सब्सटेंशिएट करना भी आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि जब तक वो सब्सटेंशिएट नहीं होंगी तो मामला आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वेगनेस वॉज द प्रॉब्लम और एब्सेंस ऑफ कॉन्क्रीट एविडेंस वॉज द प्रॉब्लम, दोनों ही परेशानियां। अब बात करते हैं कानून, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया। कोर्ट ने बोला कि कानूनी प्रावधानों को मानना बहुत जरूरी है, ठीक है? और जब मैं बोलता हूँ कानूनी प्रावधानों को मानना जरूरी है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब जब भी आप एलिगेशन लगा रहे हो किसी भी अपराध के संबंध में, किसी भी कानून के संबंध में,
उसकी हर एक रिक्वायरमेंट, ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर कोई भी एक सिंगल मटेरियल फैक्ट भी अगर छूट जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर एक भी मटेरियल फैक्ट छूट गया तो आपका वो अपराध साबित होगा नहीं और आपको वो रिलीफ मिल पाएगा नहीं। तो कोई भी अगर एक्ट है, जैसे मानो कोई भी सेक्शन है जो बताता है कि अगर आपको इस सेक्शन के अंदर कवर होना है तो आपको ए चीज करनी पड़ेगी प्लस बी चीज करनी पड़ेगी प्लस सी चीज करनी पड़ेगी प्लस डी चीज करनी पड़ेगी। मानो किसी भी एक्ट के ये चार रिक्वायरमेंट्स, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को कवर करना है इस प्रावधान के अंदर तो आपको ये भी सेटिस्फाई करना होगा, ये भी सेटिस्फाई करना होगा, ये भी सेटिस्फाई करना होगा और ये भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा कॉम्पोजिट मैनर, चारों के चार। और अगर इसमें से कोई भी मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला मिसिंग, तो आपका अपराध या आपका वो कानूनी प्रावधान लागू नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो किसी भी पेटिशन में काम आता है। तो इस केस से हमको अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि केवल पेटिशन फाइल कर देना और पेटिशन के अंदर एलिगेशंस रेज कर देना काफी नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले नंबर पे आपकी जो एलिगेशंस हैं वो वेग नेचर की ना हो, उनमें क्लैरिटी हो और सीधा संबंध स्थापित करती हो उन कानूनी प्रावधानों से जो आप लगवाना चाहते हो। और दूसरी बात कि जो भी एलिगेशंस आप लगा रहे हो उनको सब्सटेंशिएट करने के लिए आप प्रॉपर एविडेंस पेश करो और हर एक कानून की रिक्वायरमेंट को पूरा। बहुत बेसिक सी चीजें पर ये कई भी कभार मिस आउट हो जाती हैं तो गड़बड़ हो जाती है। ये बच्चे हमारा पहला केस था जिसको हमें समझने की जरूरत है। अब देखो दूसरी न्यूज की बात करते हैं। पहला क्लियर है सभी लोगों को, एक बार चैट बॉक्स में बच्चे वाई टाइप करके बता दो, अभी ऑल क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा न्यूज देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर जिसका नाम है एम के रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है, ध्यान से देखिएगा, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखना, ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एमसीक्यू में भी आ सकता है और मेंस में भी काम आएगा बच्चे आप लोग। क्या है? राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखो, आप सभी को पता है कि आज के समय पे एनवायरमेंट लॉ कितना इंपॉर्टेंट हो गया है और हमारे पास अच्छी खासी जजमेंट्स हैं, चाहे एमसी मेहता हो और चाहे बाकी की कितनी सारी जजमेंट्स हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन इस बात को रिकॉग्नाइज किया है, इस बात को रियलाइज किया है कि एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है और वो हमारे मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट, खासकर आर्टिकल 21 के पर। ये जो बच्चे हम लोग केस देख रहे हैं, इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ये रियलाइज कर रहा है कि हमारे भारतीय नागरिकों का ये अधिकार है कि जो भी गलत परिणाम अराइज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फॉर एग्जाम्पल, उसके खिलाफ सुरक्षित किया जाएगा, उनसे उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो जो भी एडवर्स इफेक्ट अराइज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनके खिलाफ प्रोटेक्शन पाना एक मौलिक अधिकार के तौर पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक डिस्टिंक्ट राइट एग्जिस्ट करता है, एक अलग राइट एग्जिस्ट करता है जो एडवर्स इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करता है, किस बात के, क्लाइमेट चेंज के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल्स में ट्रेस कर रहा है इस बात को, वो ट्रेस कर रहा है आर्टिकल 14 में और आर्टिकल 21 में। समझिए, आर्टिकल 14 में और आर्टिकल 21, तो इक्वालिटी का राइट और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इन दोनों के अंदर ट्रेस किया जा रहा है ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आप देख रहे हो कि जो ज्यूरिसप्रूडेंस है एनवायरमेंट लॉ में वो कैसे कैसे बढ़ रही है कि हम स्पेसिफिकली, पहले तो हम जनरल बात किया करते थे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के खिलाफ हमारे पास अधिकार है, हमारे पास राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है। ये क्या था? एक जेनरिक कॉन्टेक्स्ट था कि पर्यावरण साफ हो, ये सारी बातें हो।
पर यहां पे आप देखो हम स्पेसिफिक हो रहे हैं, हम स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं जो एक पर्सपेक्टिव है, केवल पर्यावरण से जुड़ा हुआ, एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ एक पर्सपेक्टिव है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और आप देखो सुप्रीम कोर्ट इस अधिकार को स्थापित करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई नया कानून बना दे रहा है, वो वही जो हमारा एग्जिस्टिंग ज्यूरिसप्रूडेंस है उसी पर रिलाय कर रहा है, इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर रिलाय कर रहा है, राइट टू लाइफ के प्रिंसिपल पर रिलाय कर रहा है, और जो हमारी प्रीवियस जजमेंट्स हैं जैसे कि एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ उन पे भी रिलाय। अब देखो इस बात को समझना थोड़ा सा, जब भी कोई ऐसा प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया जाता है खासकर जजमेंट्स के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास किसी भी कोर्ट के पास दो में से एक चॉइस उसको चूज करनी पड़ती है। या तो वो कोर्ट ये कर सकता है कि वो बिल्कुल ही कुछ नया प्रावधान बना दे, मतलब जैसे पार्लियामेंट को सजेशन दे दे कि ये एक एरिया ऐसा है जो हम सोचते हैं कि इसके बारे में प्रावधान होना चाहिए, कानून होना चाहिए, तो आप इसको कानून बनाओ, और जब तक आप कानून नहीं बना रहे हम लोग गाइडलाइंस वगैरह इश्यू कर दें। ऐसा हमको कई बार देखने को मिला है, जैसे खासकर अगर हम लोग बात करें क्रिमिनल लॉ की, डीडी बासु का जजमेंट हो गया, ऐसे काफी जजमेंट है जहां पे सुप्रीम कोर्ट चाह रहा था कि कुछ किया जाए, उसको करने के लिए उसने गाइडलाइंस जारी की और साथ के साथ पार्लियामेंट को सजेशन दे दिया कि कानून बना। एक तो ये तरीका होता है, एक दूसरा तरीका होता है जहां पे गाइडलाइंस जारी नहीं कर रहा कोर्ट अगर कुछ नया कर रहा है, और ना ही पार्लियामेंट को बोल रहा है कि वो कोई कानून लेके आए स्पेसिफिक। सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश करता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग ज्यूरिसप्रूडेंस है, जो अभी हमारे कानून चल रहे हैं, क्या उन्हीं के अंदर हम इस नई बात को, इस नए प्रिंसिपल को कहीं पे बिठा सकते हैं। आज के समय पे ये ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि गाइडलाइन जारी करना, फिर उनको इम्प्लीमेंट कराना, फिर पार्लियामेंट को पुश करना कानून बनाने के लिए थोड़ा सा कंबर्सम प्रोसेस हो जाता है। एग्जैक्टली वही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भी किया, पहले भी कर चुका है इन्वायरमेंट के मामलों में, यहाँ पे दोबारा किया कि उस अधिकार को, राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को ट्रेस कर रहा है वो हमारे एग्जिस्टिंग ज्यूरिसप्रूडेंस में थ्रू आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 20। इससे फायदा ये होगा कि हमें किसी नए कानून की जरूरत नहीं है, हम आर्टिकल 21 को इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि ये माना जाएगा कि ये भी अधिकार उसके अंदर गिरता है, सेम विद आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में भी यही लॉजिक हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस्ड अप्रोच की, और खासकर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की, क्योंकि इन्वायरमेंट में इंटरनेशनल लॉ का बहुत इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी है जिसमें इंडिया की जितनी भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं जो अराइज हो रही हैं अलग अलग तरीके की ट्रीटी से, एग्रीमेंट से, जैसे कि एग्जांपल ले लें तो पेरिस एग्रीमेंट एक अच्छा एग्जांपल है जो क्लाइमेट चेंज के बारे में ही बात करता है, उनको इम्प्लीमेंट करना और आम जनता तक पहुंचाना उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमको एज अ स्टेट, हमको एज अ स्टेट क्या करना है कि जितनी भी हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को लेकर उनको हम पूरा करें। उसका क्या फायदा होगा कि ऑटोमेटिकली हमारे जो भारतीय नागरिक हैं या भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनको सुरक्षा मिल जाएगी इन सारे इन्वायरमेंटल थ्रेट, और साथ के साथ जो हमारा कानून है वो तो डेवलप हो ही रहा है, ज्यूरिसप्रूडेंस जो है वो तो डेवलप हो ही। तो आप एक बात मैं आपको छोटा सा सजेशन दूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी मेंस में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लें जहां पर आपको बोला जाए कि इन्वायरमेंटल लॉ के पर्सपेक्टिव में कोई शॉर्ट नोट लिखो या फिर कोई फुल फ्लेज्ड आंसर लिखो, तो हमेशा याद रखना बच्चे आपका जो अप्रोच होगा ना वो अप्रोच बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए मतलब आप क्लियरली उस प्रोटेक्शन को, मतलब उस राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को या प्रोटेक्शन अगेंस्ट एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज वगैरह को आप ट्रेस करना आर्टिकल 21 के अंदर पहले ऑन दी प्रायोरिटी, क्योंकि सबसे आसान वहीं पे है उसको ट्रेस करना, बाद में आप जाना आर्टिकल 14 पे या फिर अगर हो सके तो आर्टिकल 19 पे। इससे क्या होगा एक अच्छा पर्सपेक्टिव आपके आंसर को मिल जाएगा, ठीक है, और वो सारी जजमेंट्स को आप यूज कर सकते हो इंक्लूडिंग दिस वन, ठीक है। चलो क्या हम लोग क्लियर हैं इस दूसरी जजमेंट के बारे में, बात समझ में आई कि इस जजमेंट में क्या हुआ। इस जजमेंट को आप इस तरीके से याद रखो, राइट अगेंस्ट एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज,
और क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है दिन ब दिन। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको आर्टिकल 21 में ट्रेस कर दिया, आर्टिकल 14 में ट्रेस कर दिया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, बता दो एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके, क्लियर है कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, समझ में आ गया? तो जहां पे एमसी मेहता जाएगा वहां पे ये भी चला जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरी नीति, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो मैक्सिमम कैप होता है, मैक्सिमम कैप मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है, जो मैक्सिमम लिमिट है टैक्स पे करने की, वो वन टाइम मेजर है। जब भी किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज किया जाता है, अब आप सोचोगे कि सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, अभी कॉन्टेक्स्ट देता हूं। पहले जजमेंट का नाम पढ़ो, जजमेंट का नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2024 सुप्रीम, और बहुत ही इंपैक्टफुल जजमेंट होने वाला है ये। क्यों? क्योंकि यहां पे मामला जुड़ा हुआ है स्टैंप ड्यूटी, और कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है कि अगर कोई भी कंपनी है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी कंपनी है, अगर वो अपने शेयर कैपिटल को, अभी समझा दूंगा एक एक शब्द, अभी बस पढ़ लो, अगर वो अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज करती है तो उसे एक स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट जो है बच्चों, जिसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 25 लाख रुपए, जो है 25 लाख रुपए। पर अगर अगर ये अगर बहुत ध्यान से सुनिएगा, पर अगर पहले से ही किसी कंपनी के संबंध में, उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के संबंध में अगर स्टैंप ड्यूटी पे की जा चुकी है, और वो स्टैंप ड्यूटी ऐसी है जो 25 लाख रुपए से ज्यादा की थी, तो फिर दोबारा से जब भी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा तो दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझना, अब समझना, यहां पे यहीं पकड़ लो बात को। देखो पहले तो इस चीज को समझो बच्चे, कोई भी कंपनी होती है उसका एक शेयर कैपिटल होता है। शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? शेयर कैपिटल का मतलब है वो पर्टिकुलर अमाउंट जिसको हम मानेंगे कि वो कंपनी का एक रिजर्व अमाउंट है, जिसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं शेयर्स के माध्यम से, कि इस व्यक्ति पे इतने शेयर्स हैं इस कंपनी के, इस व्यक्ति पे इतने शेयर्स हैं कंपनी के। उन सारे शेयर्स को जब हम लोग कंपोजिट तरीके से जोड़ दें तो वो निकल के आता है शेयर कैपिटल। अब किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल बच्चे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। बच्चे ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत, एक बार चैट बॉक्स में बता दो। आर यू ऑल क्लियर? ऑडियो ऑडियो सब कुछ ठीक सही आ रहा है? वाई टाइप करो। नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो कोई भी कंपनी है उसका अगर, कोई भी कंपनी है अगर उसका शेयर कैपिटल कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट है, तो वो उसी को हम लोग अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है उसका शेयर कैपिटल मान लो 10 करोड़ रुपए का, तो यही 10 करोड़ रुपए अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे शेयर्स के माध्यम। तो किसी व्यक्ति पे मानो 100 शेयर है किसी भी कंपनी के, किसी पे 1000 शेयर है, तो टोटल कंपोजिट अमाउंट क्या है? 10 करोड़। ये जो शेयर कैपिटल वाली बात है ये बच्चे कानून से रेगुलेट होती है। कोई भी कंपनी अपने हिसाब से अपना शेयर कैपिटल डिटरमाइन तो कर सकती है कि उसे कितना रखना है, पर एट द सेम टाइम उसके संबंध में उसे स्टैंप ड्यूटी वगैरह पे करनी पड़ती है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ। कानून क्या कहता है? कानून क्या कहता है कि जब भी कोई कंपनी फॉर्म हुई, जब कंपनी फॉर्म होती है तो दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम और एक होता है आर्टिकल्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम के अंदर बेसिक बातें होती हैं कि ये कंपनी क्या है, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, वो सारी चीज। आर्टिकल्स जो है डिटेल प्रोवाइड करते हैं, और ये जो शेयर कैपिटल वाली बात है उसका जो सीधा संबंध है इन्हीं आर्टिकल्स से। मानो कोई भी कंपनी रजिस्टर हो, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रहा होगा, और जो भी अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रहा होगा उसके हिसाब से उसने स्टैंप ड्यूटी भरी भी होगी। कानून ये कहता है कि आगे चल के कभी भी
मानो कंपनी अच्छा कर रही है तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपने शेयर कैपिटल को बढ़ाना भी चाहेगी। मानो बच्चों आगे चल के अगर कभी भी कोई कंपनी अपने शेयर कैपिटल को बढ़ाती है तो वो जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उसके संबंध में भी उसको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। और वहीं हमारा ये कानून कहता है कि स्टैम्प ड्यूटी जो पे करनी होगी वो उसकी जो मैक्सिमम कैप है वो 25 लाख तक की है। मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर हम किसी कंपनी से मांगेंगे स्टैम्प ड्यूटी को कभी भी जब वो इंक्रीज करेगा अपना शेयर कैपिटल वो होगा 25 लाख। इस फैक्चुअल सिचुएशन में, इस केस के फैक्चुअल सिचुएशन में क्या हुआ, एक कंपनी है जिसने ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी पे कर रखी जो 25 लाख रुपए से कई ज्यादा की थी, पहले से ही पे कर रखी थी 25 लाख रुपए से कई ज्यादा। फिर आगे चल के उन्होंने अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज किया, मतलब पहले एक बार इंक्रीज किया जब पैसा पे कर दिया और वो 25 लाख रुपए से कई ज्यादा था, क्योंकि 25 लाख रुपए से कई ज्यादा क्यों था, क्योंकि तब तक ये कैप लगी नहीं थी कानून के हिसाब से, ये बाद में लगी। तो ऐसा ये कैप आने से पहले ही वो स्टैम्प ड्यूटी पे कर चुके थे जो अमाउंट बहुत ज्यादा था, फिर ये कैप आ गई 25 लाख की। अब क्या हुआ कि दोबारा शेयर कैपिटल उन्होंने बढ़ाने की कोशिश करी और इसके संबंध में डॉक्यूमेंट गया रजिस्ट्रार के पास, सरकार ने बोला कि आपको दोबारा से पे करनी पड़ेगी स्टैम्प ड्यूटी और 25 लाख रुपए ले लियो। जब कंपनी ने कानून को समझा कि हम लोग पहले भी अमाउंट दे चुके हैं, हम लोगों से फिर अमाउंट ले लिया, ये तो दो बार हमसे स्टैम्प ड्यूटी ले ली, तो उन्होंने केस फाइल कर दिया कि हमारे 25 लाख रुपए जो आपने दूसरी बार लिए हैं उसको वापस कर, सरकार देने से मना कर रही थी, और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। और यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझाया कि कानून क्या कह रहा है, कानून ये कह रहा है कि जब आप अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो तो आपको एक अमाउंट पे करना है एज ए स्टैम्प ड्यूटी जिसका मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख, पर ये बच्चे वन टाइम पेमेंट है, अंडरस्टैंड दिस, इट इज नॉट दैट कि आप कभी भी कोई भी बदलाव करोगे और उसके संबंध में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रार के पास जाएगा तो हर बार आपको 25 लाख रुपए देने होंगे, ऐसा नहीं। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दी तो हर एक इंक्रीज पे या हर एक सिचुएशन पे आपको दोबारा से पेमेंट करने की जरूरत नहीं। आ गई बात समझ में, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी बट थोड़ा बहुत समझ में आया कि क्या बोला गया। तो कोर्ट ने बोला कि हमारा महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट जो है उसके अंदर ये जो मैक्सिमम कैप की बात की गई है ये एक वन टाइम मेजर है, हर बार आप शेयर कैपिटल बढ़ाओगे आपको हर बार उतने पैसे देने की जरूरत नहीं होगी, और अगर आप पैसा पे कर चुके हो तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो चुकी है। और इस फैक्चुअल सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आपने जो दोबारा 25 लाख रुपए लिए हैं, सरकार को बोला कि आपने जो दोबारा 25 लाख रुपए लिए हैं वो आपको वापस करने पड़ेंगे, वो ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई स्टैम्प ड्यूटी पेबल होती है शेयर कैपिटल के संबंध में वो एक वन टाइम इवेंट है, हर एक इवेंचुअलिटी में वो नहीं लागू होगी, ठीक है। तो रिफंड की बात कर दी, ठीक है, बोला कि 25 लाख रुपए वापस करने होंगे इंटरेस्ट के साथ, जो भी इंटरेस्ट लगेगा जब से आपने उस अमाउंट को ले रखा है वो भी पे करना, ठीक है, क्लियर है यहां तक, सब समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो चौथा न्यूज, फोर्थ न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की कंप्लेंट को जो छत्तीसगढ़ लिकर केस के संबंध में थी उसको नलिफाई कर दिया। और ये कहां पे हुआ है, एक केस का नाम है यस टुटेजा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। क्या हुआ है मैं आपको समझा देता हूं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस फाइल किया गया था ईडी के द्वारा जो छत्तीसगढ़ लिकर स्कैम के संबंध में था, जिसके बारे में जो कंप्लेंट आई थी वो ईडी से आई थी, उसको हटा दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। और आधार क्या रहा, आधार ये रहा कि ये जो कंप्लेंट फाइल की ईडी ने उसके अंदर ऐसे किसी भी अपराध की बात नहीं की गई है जो एक स्केड्यूल्ड ऑफेंस हो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात,
ये बात सही है कि जो कंप्लेंट है वो कॉन्स्पिरेसी की बात करती है, पर कॉन्स्पिरेसी ऐसे किसी अपराध के संबंध में नहीं है जो अपराध मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कवर होता, समझिए। देखो बच्चे, दो तरीके के अपराध आपको देखने को मिले, दो तरीके के ऑफेंसेस देखने को मिले। एक तो जनरल ऑफेंसेस हैं, जैसे थेफ्ट है, मर्डर है, आप उनको कमिट करोगे, जनरल लॉ के अंदर कवर हो गए, आईपीसी के अंदर कवर हो गए, अब जो नया एक्ट आ गया उसके अंदर कवर हो गए, ठीक है। पर कुछ ऑफेंसेस होते हैं स्पेसिफिक, जो रेगुलेट होते हैं स्पेशल स्टैट्यूट, स्पेशल स्टैट्यूट, जैसे पॉक्सो एक्ट ले लो फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें स्पेसिफिक ऑफेंसेज हैं, आप ये करोगे तो आप पॉक्सो के अंदर कवर हो। ऐसे ही एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आप नाम से देखो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, केजरीवाल साहब जो गए हैं वो भी इसी कानून के अंदर फंसे हैं। ये एक ऐसा कानून है जो मनी लॉन्ड्रिंग से डील करता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जब करप्शन के माध्यम से, टेररिज्म के माध्यम से, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह के माध्यम से हम काला धन को जनरेट करते हैं और उसका वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेन देन करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। एक ऐसा पैसा जो प्रॉपरली टैक्स्ड नहीं है और इसका जो सोर्स है वो भी क्लियर नहीं है कि वो पैसा आ कहां से रहा। अब ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, इसने कंप्लेंट तो फाइल कर दी इस लिकर केस के संबंध में और हजारों एलिगेशंस भी लगा, पर वो कोई भी ऐसा अपराध सब्सटेंशिएट नहीं कर पाई जो अपराध इस कानून के अंदर कवर होता। उसने जनरल अपराध तो साबित कर दिए, कॉन्स्पिरेसी की, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, पर आप समझिए अगर किसी व्यक्ति को आपको इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर पनिश करना है तो वो तो ऐसे ही अपराध के संबंध में कर सकते हो ना जो इस एक्ट के अंदर कवर होता। आप जनरल वेग एलिगेशंस लगा के किसी व्यक्ति को इस कानून के अंदर तो सजा दिलवा नहीं सकते, ये कहकर कि कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र था। आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑफेंस, विच पर्टिकुलर ऑफेंस आर वी टॉकिंग ऑफ, ये आपको बताना पड़ेगा, और वो भी इस पीएमएलए के संबंध में कौन से अपराध की बात हो रही है। ईडी यही नहीं बता पाई, ईडी को यहीं पे प्रॉब्लम। तो कोर्ट ने क्या किया, उसने पहले भी एक जजमेंट दे रखी है इसी मामले में जिसका नाम है पवना दिबोर वर्सेस ईडी। उसमें भी इस बात को एम्फसाइज किया गया था कि जो ईडी है वो पीएमएलए के कानून को इन्वोक नहीं कर सकती है, केवल कॉन्स्पिरेसी के आधार पर, मतलब आईपीसी के सेक्शन 120 बी को लगा के, केवल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आधार। आईपीसी तो हो सकता है पर पीएमएलए नहीं हो सकता। जब तक कि आप किसी ऐसे अपराध के संबंध में एलिगेशन ना लगाओ या उसको साबित ना करो जो पीएमएलए का एक अपराध, उसका एक स्केड्यूल्ड ऑफेंस, ठीक है, क्योंकि कोई भी स्केड्यूल्ड ऑफेंस के संबंध में एलिगेशन नहीं था जो पीएमएलए से जुड़ा हो, तो हम इस एक्ट के अंदर नहीं मान सकते कि कोई अपराध साबित होता है। इसलिए क्या हुआ, क्वेश कर दिया कोर्ट, डिसमिस कर दी कंप्लेंट, रिजेक्ट कर दी कंप्लेंट। तो क्या सीखे हम लोग इस केस से, हम लोगों ने क्या सीखा, हम जब भी किसी स्पेशल लॉ पे रिलाय करते हैं, हम जब भी किसी स्पेशल लॉ पे रिलाय करते हैं, हमको उस स्पेशल लॉ से संबंधित अपराधों की एलिगेशंस लगानी होगी और उनको साबित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम रिलाय किसी स्पेसिफिक लॉ पे करें, किसी स्पेशल लॉ पे करें और जो एलिगेशंस लगाएं वो जनरल लॉ की लगाएं, जैसा ईडी यहां पे कोशिश कर रही है। वो एलिगेशंस लगा रही है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो आईपीसी के अंदर अपराध है और इम्पोज करने की कोशिश कर रही है पीएमएलए। तो जब तक पीएमएलए का अपराध नहीं आएगा तब तक पीएमएलए के अंदर प्रोसेस नहीं चल पाएगा और पीएमएलए के अंदर जो प्रक्रिया है वो भी लागू। एंड दैट वाज द रीजन कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, ठीक है। अब बताओ ये वाली बात समझ में आई सभी लोगों को, चैट बॉक्स में वाई दबाओ। बोरिंग तो नहीं हो रहा, समझाते समझाते कहीं मैं बोरिंग तो नहीं कर देता चीजों को, मजा आ रहा है? हाँ ठीक लग रहा है। देखो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा जेनेरिक सी चीजें हैं, कई सारी बातें एक साथ बताई जा रही हैं, पर देखो धीरे धीरे इनसे बड़ा आपका जो
लीगल अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। आप अगर इसको करते चलोगे ना रोज के रोज रोज के रोज, तो आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग, और वही हमारा फोकस है। आओ चलो आखिरी न्यूज पे आ। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें बोला है कि अगर किसी भी फर्म के अंदर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी है, उसके जो लीगल एआर्स है, वो लायबल नहीं होंगे उस पार्टनरशिप फर्म की उधारी के लिए, फर्म के डेट्स के लिए। समझिएगा, इस केस का नाम है अन्नपूर्णा बी उपिन वर्सेस मलसीदप्पा एंड अनंत। इसके केस के नाम को याद करने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके फैक्ट को समझने से, ठीक है? समझा देता हूं पहले केस क्या कह रहा है। इसमें क्या हुआ, एक कंप्लेंट फाइल की और उस कंप्लेंट के अंदर रिकवरी मांगी जा रही उस इन्वेस्टमेंट की जो उस कंप्लेनेंट ने की थी उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर। और ये जो रिकवरी मांगी जा रही थी ये एक ऐसे पार्टनर के लीगल एआर से मांगी जा रही थी जिस पार्टनर की मृत्यु हो चुकी। तो हमारे कोर्ट ने क्या किया, उस कंप्लेन को डिसमिस कर और बोला जब तक आप ऐसा कोई एविडेंस पेश नहीं करोगे जिससे ये साबित होता हो कि ये जो लीगल एआर हैं जिनसे आप रिकवरी मांग रहे हो ये पार्टनर थे फर्म के या कभी पार्टनर रहे थे फर्म जिसकी वजह से उन्होंने वो लायबिलिटीज एज्यूम करी हो जो उस उधारी से संबंधित, जब तक आप ऐसा कुछ साबित नहीं करते हो तब तक फर्म की लायबिलिटीज के लिए, फर्म के डेट के लिए हम लीगल एआर को लायबल नहीं ठहरा सकते, नहीं ठहरा सकते। और एक और बात बोली कोर्ट, ये जो पूरा मामला चला ये बच्चे कंज्यूमर फोरम में चल रहा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो जो कंप्लेन की गई थी वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर की गई थी और बोला गया था हमने इन्वेस्टमेंट की है और हमको वो इन्वेस्टमेंट वापस दिलवाओ। कोर्ट ने एक और बात बोली कि ये जो इन्वेस्टमेंट करना है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन होते हैं और कमर्शियल ट्रांजेक्शन के संबंध में आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को यूटिलाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो प्रक्रिया है वो बहुत समरी नेचर की, बहुत ब्रीफ नेचर की, स्पेसिफिक है। ऐसे मामलों में, कमर्शियल ट्रांजेक्शन के मामलों में आपको सिविल कोर्ट जाना चाहिए, एक नॉर्मल रिकवरी का सूट फाइल करना चाहिए और उसके अंदर, और उसके अंदर आपको उस प्रक्रिया को चलाने की कोशिश। कहने का मतलब क्या है, इस जजमेंट से, ये जो हमने केस पढ़ाया इससे दो बातें समझने वाली हैं, आपको दो बातें समझ में आई। पहली बात तो ये कि मानो अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, समझिए, और उस पार्टनरशिप फर्म में कोई तीसरा आदमी जो उसका पार्टनर नहीं है इन्वेस्ट करता है, ठीक है? अब कल को इस पार्टनरशिप फर्म में से किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो जो व्यक्ति है जिसने इन्वेस्टमेंट की थी इस पार्टनरशिप फर्म में, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए जो लीगल एआर्स हैं उस डिसीज्ड पार्टनर के, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स को चालू नहीं कर सकता है क्योंकि उन लीगल एआर्स की लायबिलिटी केवल तभी अराइज होगी अगर उन्होंने उस जिम्मेदारी को उठाया हो जो उस इन्वेस्टमेंट से संबंधित था। और हम ये बोल ही नहीं सकते कि उन्होंने उस जिम्मेदारी को उठाया है जो उस इन्वेस्टमेंट से संबंधित था जब तक हम ये साबित ना करें कि वो लीगल एआर खुद कभी फर्म के पार्टनर थे या पार्टनर हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उठाने के लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट के संबंधित में जो किसी भी फर्म में हो रही है आपका रिलेशनशिप तो होना चाहिए उस फर्म के साथ। केवल इस वजह से कि आप किसी डिसीज्ड पार्टनर के एआर हैं केवल इस आधार पर आपको लायबल थोड़ी ना ठहरा देंगे किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पहली बात तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने करेक्ट क्लियर की। कोर्ट ने एक और बात बोली कि ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है कि आपने कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ था किसी भी फर्म के अंदर, अब आप उस इन्वेस्टमेंट को वापस रिकवर करना चाहते हो फॉर वट एवर रीजन, ये एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन और कमर्शियल ट्रांजैक्शन के संबंध में बेहतर होगा कि आप सिविल कोर्ट के अंदर जाके रिकवरी का सूट फाइल करें ना कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर फोरम्स को अप्रोच करें। दो बातें हमको ये सिखाई हमारे सुप्रीम। अब बताओ समझ में आ गई दोनों बातें, आर वी ऑल क्लियर? दोनों बातें क्लियर हैं बच्चों, समझ में आ गई?
कैसे लगे आज के पांचों केसेस? कुछ नया सीखने को मिला? हाँ, मजा आया? चलो ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, आप देख लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, आ जाओ। पहला केस, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन इन करीम उद्दीन बरबुया वर्सेस अनिमुल हक लश्कर, पहला वाला केस, पहला वाला हमारा जो सिचुएशन था, रिगार्डिंग दी 2021 आसाम असेंबली इलेक्शन। कौन सा कथन करीम वर्सेस लश्कर केस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सटीक रूप से दर्शाता है? डिसमिस्ड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, अपहेल्ड द पिटीशन फॉर री इलेक्शन, फाउंड भरबुया गिल्टी ऑफ फ्रॉड, ऑर्डर्ड अ वोट रिकाउंट, सबूत की कमी के कारण खारिज कर दिया गया था, पुनः चुनाव की याचिका को बरकरार रखा, भरबुया को धोखाधड़ी का दोषी पाया या वोटों की दोबारा गिनती करने को बोला? बताओ क्या किया गया इस केस में? उस पिटीशन को, इलेक्शन पिटीशन के साथ क्या किया गया था बच्चों? उनको डिसमिस कर दिया। क्यों डिसमिस किया गया था? लैक ऑफ एविडेंस, और एक और बात थी, एक और बात थी बेटा, लैक ऑफ एविडेंस एंड वन मोर थिंग, मैंने आपको एक्सप्लेन भी करी थी, वेगनेस ऑफ एलिगेशन। क्या? वेगनेस ऑफ एलिगेशन। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, विच केस मार्क द सुप्रीम कोर्ट्स रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस केस को याद कर लो, ठीक है, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट। पहला केस एम के रंजीत सेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, करीम उदयन वर्सेस अनिमुल, पवन्ना दिबोर वर्सेस एनफोर्समेंट डायरेक्ट, या फिर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस अनिल टुटेजा। कौन सा केस था बेटा? कौन सा केस था? राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज वाला। जल्दी बताओ इनमें से कौन सा था, याद है? वेरी गुड, वेरी गुड, पहला वाला, पहला वाला केस, ठीक है, एम के रंजीत से। तीसरा क्वेश्चन देखो, इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल रिगार्डिंग द मैक्सिमम कैप ऑन द स्टैम्प ड्यूटी फॉर इंक्रीजेस इन शेयर कैपिटल। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? ठीक है, महाराष्ट्र राज्य वाले केस में शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? द मैक्सिमम कैप अप्लाइज टू एवरी इंक्रीज इन द शेयर कैपिटल, द मैक्सिमम कैप अप्लाइज ओनली वंस एज अ वन टाइम मेजर, द मैक्सिमम कैप डज नॉट अप्लाई टू एनी इंक्रीजेज इन द शेयर कैपिटल, द मैक्सिमम कैप इज डिटरमाइंड बाय द टोटल असेट्स ऑफ द कंपनी। बताओ क्या बोला कोर्ट? कि वो एक बार की चीज है या फिर वो हर एक ट्रांजेक्शन पे अप्लाई होगा? बिल्कुल सही, वेरी गुड, समझ गए मतलब, हाँ क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो आखिरी क्वेश्चन, इन द केस ऑफ अन्नापूर्णा बी यूपिन वर्सेस मलासी दप्पा, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल रिगार्डिंग द लायबिलिटी ऑफ ए डिसीज पार्टनर्स लीगल हेयर फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स डेट। ठीक है, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था जब बात आई थी लीगल एआरस की, उत्तराधिकारियों की जिम्मेदारी की? लीगल एआरस आर फुली लायबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म अपॉन द पार्टनर्स डेथ, लीगल एआरस आर नॉट लायबल फॉर एनी डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म अपॉन द पार्टनर्स डेथ, लीगल एआरस आर ओनली लायबल फॉर डेट्स इनकर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म आफ्टर द पार्टनर्स डेथ, लीगल एआरस आर नॉट ऑटोमेटिकली लायबल फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स डेथ अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर। मतलब कौन सी बात बोली? उत्तराधिकारी जो हैं वो जिम्मेदार हैं या नहीं है? आसान भाषा में बोलूं तो ये है कि नहीं है। इसका जो सही आंसर है, जैसा आप सब लोग दे भी रहे हो, लीगल एयर्स आर नॉट लायबल फॉर एनी डेथ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म अपॉन द पार्टनर्स डेथ। वेरी गुड, चलो तो आज की लीगल ग्लॉसरी भी पढ़ लेते हैं। आज का जो बच्चे हमारा शब्द है वो है रेस इप्सा लोक्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, काफी आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी सिचुएशन
where the facts and circumstances imply something without the need for further explanation. मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पे जो तथ्य हैं या जो परिस्थितियां हैं वो अपने आप में ही कुछ दर्शा रही हैं जो साफ साफ दिख रहा, मतलब आपको बहुत कुछ ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशन जहां पे केवल उनके बारे में अवेयर हो जाने से आपको समझ में आ जाता है कि क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये होता है क्या, रेस इप्सा लॉक्यूटर। पढ़ते रहोगे तो बेटा याद हो जाएगा, कठिन नहीं है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार तो समझ में आ जाएगा। मतलब समझ लो, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ठीक है। ऐसे तथ्य, ऐसी परिस्थितियां जो खुद बताएं कि क्या हुआ है, ठीक है, ऐसी क्लियर कट सिचुएशन। चलो, धन्यवाद बच्चे आप सभी लोगों का। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो उसको ज्वाइन कर लो, इसको स्कैन करके, नहीं तो हाफ फेस नाम से सर्च करना आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना चाहते हो तो इसको फॉलो कर लो। बाकी आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट एट की सीरीज शुरू हो रही है आज रात 9 बजे, तो सभी लोग आइएगा, जरूर जुड़िएगा। और अगर आप बैच नंबर 9 लेना चाहते हो तो कल तक का समय है आपके पास, ले लो फटाफट से, और इस कोड को यूज करना मत भूलो। अब आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए पूरे इतने लंबे समय तक। अब आप सभी को मिलूंगा शाम को 9 बजे रात को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज। नमस्कार।